Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के मलकागंज इलाके में। हमारे पीछे मलकागंज के निवासी हैं जो मटका फोड़ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जल बोर्ड का मुख्यालय है मेरे सामने, मेरे पीछे जल बोर्ड का मुख्यालय है। वहाँ पे मुख्यालय के बाहर ये मटका फोड़ प्रदर्शन करने कर रहे हैं। और आइए इनसे जानते हैं क्या समस्या है इलाके में पानी की। सबसे ज़्यादा आज टैंकर माफिया के खिलाफ ये कर रहे हैं, जल बोर्ड के खिलाफ कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भागीदारी सेल और मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज ये प्रदर्शन इस कारण कर रही है कि दिल्ली में 70 विधानसभाओं में से 17 में आज तक पानी की लाइन नहीं है। लोग टैंकरों पर निर्भर हैं और टैंकरों पर निर्भर इस प्रकार हैं कि टैंकर वाला ही जानता है कि पानी कब आएगा। मैं सुबह अपनी नौकरी पर जाऊँ या ना जाऊँ, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊं या ना जाऊं, मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं वहां खड़ा इंतज़ार कर रहा हूं। लेकिन दूसरी ओर अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो 2000 और 2500 रुपये के बीच में टैंकर मेरे घर में उपलब्ध हो जाएगा। उसकी एक वजह है, आप मुझे बताएं दिल्ली में किसी रेस्टोरेंट और होटल में पानी की कोई कमी है? और दूसरी तरफ हर क्षेत्र में पानी का कैन 30 रुपए का और पानी का मयूर जग 20 रुपए का हर दुकान पर सप्लाई होता है। आप मुझे बताएगा या दिल्ली जल बोर्ड ये बताएगा कि पानी कहाँ से आता है और क्या कारण है कि 4 बजे सुबह ये पानी के कैन भरने के लिए पानी उपलब्ध है? तो दिल्ली सरकार ये बताए कि केंद्रीय सरकार ने एक वादा करा था 2019 में हर घर में नल और जल, फिर केजरीवाल साहब ने एक वादा करा 24 घंटे पानी हर घर में। ओ भाई, जब 17 विधानसभा में पानी की लाइन ही नहीं है और बाकी के अंदर गंदा पानी आ रहा है, तो आप ये बताएं कि मयूर जो नहर के अंदर हरियाणा से दिल्ली जो पानी चोरी हो रहा है वो आपके ठेकेदार कर रहे हैं या कोई और उन्हें पकड़ेगा कौन? जब वोट मांगने आप आते हैं तो इसका जवाब भी पब्लिक को आपको ही देने पड़ेगा। नाम बताएंगे? अनिल कुमार शर्मा, एक्स काउंसलर। जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे मलकागंज में, खास तौर पे ज़्यादा परेशानी है, लोग घर में गंदा पानी आता है। हमारे यहाँ समस्या इस प्रकार है कि हमारा इलाका इतना अमीर इलाका नहीं है, गरीब इलाका है, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं और छोटी छोटी गलियाँ हैं, और उसके अंदर आदमी को मारा मारी करके एक बाल्टी पानी भरना कितनी मुसीबत की बात है ये आप जान नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं। अफसोस इस बात का आता है कि सरकारें अगर ये कहें कि साहब ये माफिया है, ये फलां है, ये फलां है, तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जब हम चुने हुए थे तो हम ये बहाने नहीं बनाते थे कि हमें उसने रोक लिया, हमें उसने मना कर दिया, हम एक्शन लेते थे कि क्यों, किस लिए, कैसे नहीं हुआ। अगर आप इस लायक नहीं हैं तो आप हटें, हम दूसरे को लाएंगे, उससे काम कराएंगे। काम का तरीका होता है ये, ना कि आप ये बहानेबाजी करें कि आप कहें केंद्र और केंद्र कहे विधानसभा और विधानसभा कहे कि नगर निगम। ये जो मजाक जनता के साथ बनाया है, इस मजाक का नतीजा है कि वो दोनों के दोनों ये सोचते हैं कि मैं ऐसी छोटी हरकत करूंगा तो वो पब्लिक मेरे साथ हो जाएगी, वो कहता है कि मैं ऐसी छोटी हरकत करूँगा तो पब्लिक। इससे पब्लिक का नुकसान और पब्लिक की परेशानी ज़्यादा बढ़ाई है इन सरकारों ने, और हमें शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसी बेशरम सरकारें ज़िंदगी में हमने पहली दफ़े देखी हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आप जानते हैं। नेत्रपाल मेरा नाम है, मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज जो हमने मजबूर हुए हैं कि जल बोर्ड के ऑफिस के आगे हमें धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर पानी उपलब्ध नहीं है, सीवरों की सफाई नहीं है, जगह जगह जल भराव है। इन्हीं के विरोध में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर आज पूरी दिल्ली के अंदर हर ब्लॉक में ये हमने धरना मटका फोड़ प्रदर्शन किया है, और उसी के तत्वाधान में आज हम जो विरोध प्रकट कर रहे हैं कि समय समय पर जो पानी उपलब्ध न होने के कारण जगह जल भराव समस्याओं से जिस रोड पर भी हम खड़े हैं शाम और सवेरे इस रोड से निकलना दुभर हो जाता है। इन विकट समस्याओं के खिलाफ हमारे ना तो जनप्रतिनिधि, हमारे MP साहब जो तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं, ना उनका कोई ध्यान जाता है। कई बार उनको कहा जा चुका है, उन्हें शिकायत दी जा चुकी है, और ना ही आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे जी यहाँ पर आए और इस समस्या का निदान किया उन्होंने। इसी सबके विरोध में आज हमने इस विशाल प्रदर्शन मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से
हम ये कहना चाहते हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि इसे उठे और जनता के जो दुख दर्द जो समस्याएं उनका समाधान करे। जय हिंद, जय कांग्रेस। जनता का दुख दर्द का समाधान करे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा। कैलाश प्रधान मेरा नाम है जी। RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहा है। ये मटका प्रदर्शन इसलिए प्रदर्शन किया है, आपने देखा होगा अभी कि दिल्ली के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे थे कि जो मटका अब जो अभी यहाँ हमने चला रखा है, जो माफिया है ट्रक का, जो ये टैंकर जो बेचते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके ऑर्डर करो, इनको रोको। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनको रोको, पर सरकार रोकने में नाकाम है। तो उन्होंने क्या कहा, दिल्ली पुलिस को दे दिया है कि आप टैंकर को रोकना आपका काम है। एक टैंकर की कीमत 4,000 रुपये आती है, दिल्ली सरकार क्या कर रही आज तक तो कुछ बताएंगी। दूसरी बात, हमारे इलाके के अंदर जल बोर्ड की जितनी समस्या है, जगह जगह सीवर बंद हो जाते हैं, आए दिन हम यहाँ आगे से बात करते हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 7 MP जीते हैं अभी ताज़ा, अभी एक हफ्ता हुआ, नहीं एक भी MP लापता है सारे के सारे, और कोई भी एक MP ये नहीं बता रहा कि पानी की समस्या कैसे हल होगी। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है हिमाचल प्रदेश से पानी आएगा, कभी कहती है हरियाणा से पानी आएगा, हमें क्या लेना देना। हमने दिल्ली को आपको वोट दिया है, आपको सरकार बनाई है हमने तीसरी बार, तो आप ये क्या करेंगे, पानी के लिए कौन समस्या हल करेगा। तो हम इसको हमने कांग्रेस पार्टी को लेकर हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया, 280 जगह हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल हम पानी की समस्या को लेकर ये कह रहे हैं कि कौन इनकी समस्या का निदान करेगा। हमारे साथ कुछ लोग पानी की समस्या का, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता, कबीर बस्ती के अंदर तो बड़ी बड़ी परेशानी होती है, सीवरे भरे रहते हैं, नाली भरे रहते हैं। मनोज तिवाड़ी जी आए बोला था तो वो दोबारा गौर नहीं करा, तीसरी बार जीते मनोज तिवाड़ी जी हमारे यहाँ से। हमें बहुत दिक्कत है पानी की, बहुत परेशानी है। पानी जो विधायक हैं वो आते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते विधायक, वो जीतने के बाद तो कभी आते ही नहीं आते, दफ्तर नहीं है, जो दफ्तर नहीं है उनका, ना कोई बैठने का सिस्टम है कोई। तो ये मलकागंज के लोग हैं और यहाँ के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो जिनका आरोप है कि यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आज तक इलाके में झांकने तक नहीं आए, और आज इनका रोष प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ है, हाथ में मटका लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आनंद कुमार, दिल्ली तक।